अभी थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। कहाँ हूँ मैं? सर में दर्द तो नहीं है ना? आराम से। मैं तुम्हारे घर कैसे आ? मेरे घर नहीं, अभी तुम अपने फ्लैट में हो। मेरे फ्लैट में? हाँ, इनफैक्ट मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए और इतनी क्यों पी रखी थी। आई मीन, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इतनी कभी नहीं पीते। यू नो, तुम्हें इसे देख के मुझे कितना बुरा लग रहा था। क्या वो अभी बताओ? सुनो, ये दुनिया बहुत बड़ी फ्रॉड है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या बोल रहे हो अभी, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात बन गई। मतलब कौन सी बात कब चुप जाए, किसी को पता नहीं चलता। अभी हुआ क्या? आई मीन, तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कहा? मैं आपसे प्यार नहीं करती। क्या कहा? तुम नहीं समझो, बस इतना जान लो कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। Everyone is bloody fake. सबके सब चीटर। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मैंने दादी को कह तो दिया कि मैं शादी कर लूंगा, बट अपने दिल को क्या कहूं, उसे कैसे समझाऊं? Number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Please try again later. फोन तो लग नहीं रहा। रचना से मिलके ही बात करता हूँ और आज ही सारी बातें क्लियर कर लेता हूँ। आई मीन, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक मैं अपनी फैमिली को हर्ट करता हूँ? कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ उससे, और अगर उसे अब भी ये लगता है कि उसके लिए मेरी ये फीलिंग्स फेक है, तो उसे आखिरी बार मुझसे कहना। और अगर उसने आज भी मुझे रिफ्यूज किया, मेरी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैं वही करूंगा जो दादी और भाई का डिसीजन। चांद में प्रज्ञा का चेहरा देख रहा है ना? प्रज्ञा को सामने बिठा के उसी का चेहरा क्यों नहीं देखता? अब सोए नहीं? लगता है तुम दोनों का अभी मनमटाव खत्म नहीं हुआ, इसीलिए प्रज्ञा बुलबुल का बहाना बना के मायके चली गई। बेटा, मुंह फेरने से क्या होगा? हाँ, तेरा ये जो प्यारा सा चेहरा है ना, मुझे साफ साफ कह रहा है कि तू प्रज्ञा को कितना याद कर रहा है। पर तेरी ये जो नाक है ना, बहुत ऊंची है, यही बीच में आ जाती है, यही तेरे को प्रज्ञा से माफी नहीं मांगने देती। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेहरबानी कर, आपस का जो मनमुटाव है बैठकर खत्म कर लो, दूर कर लो, जैसे तैसे भी करके प्रज्ञा को घर लेके आ। ये घर उसके बगैर घर नहीं लग रहा। उसे वापस लेके आ, अपने लिए नहीं ना, तो मेरे लिए लेके आ, मेरे लिए। दादी, आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? कुछ कुछ नहीं है हमारे बीच में, कोई इश्यू नहीं है जिसकी वजह से वो अपने मायके गई है। वो सच में बुलबुल से मिलने गई है पापा। दादी, मैं कल सुबह उसके घर जाकर उसे अपने साथ वापस लाऊंगा, पर प्लीज आप भी रोइए मत, प्लीज। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस।
अब आप प्लीज रोइए मत और जाकर सो जाइए, वरना मुझे भी नींद नहीं आएगी। कम ऑन। डॉक्टर ने जब तक प्लास्टर्स नहीं उतर जाते तब तक तू नहीं खड़ी हो सकती, चल फिर नहीं सकती। माँ ने कहा था मुझसे, बहुत जिद्दी हो गई थी, किसी की नहीं सुनती, ना माँ की ना दादी की। तेरे लिए ना मुझे टीचर बनके तेरे कान मरोने पड़ेंगे। हमेशा जिद, हमेशा जिद। ये ले दवाई खा। क्या बात है दी, तो आज कुछ अलग लग रही है, क्या बात है? बिस्तर ऐसे, कोई बात नहीं दी, तो यहाँ बैठ। क्या बात है, कुछ तो छुपा रही तू मुझसे? जीजू से कुछ बात हुई तेरी? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक है। ठीक है, तुझे नहीं बताना ना मत बता, मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूंगी। जब मेरा ये प्लास्टर निकल जाएगा ना, तब मैं खुद जाकर जीजू से पूछ लूंगी, और फिर उनके पास बच के जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं रहेगा। नहीं बुलबुल, वो डॉक्टर, बुलबुल की रिकवरी को कितना वक्त लगेगा? बुलबुल की फिजिकल इंजरीज तो ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी इमोशनल स्ट्रेन नहीं ले पाएगी। एक्सीडेंट में उनके सर पर काफी गहरी चोट लगी है, और इसीलिए अगर उनके दिमाग पे कोई भी स्ट्रेन आया तो वो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, फिलहाल तो कोई घबराने वाली बात नहीं, और हमें कोई एडवर्स रिएक्शन या याददाश्त खोने के सिम्टम्स नहीं दिखे। लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी तरह के सदमे से बचाना होगा। ठीक है, बताती हूँ। तुझसे कोई बात छुपा नहीं सकती, तो कोशिश ही क्यों करूं, है ना? वो मैं दादी को, दादी की तबीयत को लेकर परेशान हूँ आजकल, ठीक नहीं रहती उनकी तबीयत। दी, पर तू है ना उनके पास ख्याल रखने के लिए, तू टेंशन क्यों ले रही है? तू मुझे जीजू के बारे में पता? ठीक है, वो बाहर गए जरूरी काम से। किसी काम के लिए बाहर गए, मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा ही, है ना? हाँ इम्पोर्टेंट है, फोन भी नहीं रिसीव कर सकते। ओफो दी, फोन रिसीव करने की क्या जरूरत है, जबकि तू तो सामने से बात कर सकती है। मतलब या तो जीजू अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आ गए, या तो फिर तुझसे मिलना ही उनका इम्पोर्टेंट काम था। आप दी को मिस कर रहे थे ना जीजू? मैं यहाँ तुम्हारे दी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए। जीजू, दी यही है। दी, कहीं तुझे जलन तो नहीं हो रही है ना? भाई कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस बहनजी को देखकर, उसका नाम नहीं सुनना चाहते थे, उसको अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहते थे। यू नो, कुछ तो हुआ है उन दोनों के बीच में, समथिंग ड्रास्टिक हैज हैपेंड जिसकी वजह से भाई ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें वो जानना होगा। और मैं भी बुलबुल से मिलने जा रही हूं, क्या ना मुझे जाकर देखना है कि उसकी हालत कैसी और उसे कितना टाइम और लगेगा ठीक होने, क्योंकि जितना टाइम उसे लगेगा ठीक होने में उतना टाइम सिर्फ मेरे पास है पूरब को अपना बनाने में। सो तुम चिल करो, मैं आती हूँ। ओके, अभी ने अगर मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो बिना शादी के माँ बन जाऊंगी, क्या करूं मैं? आई थिंक इससे पहले कि वो मना करे मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।